नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर उनके कामों को लेकर लगातार हमलावर रहते हैं, लगातार उन्हें घेरते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं। वहीं बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर जो चिराग पासवान की लोजपा है उसके प्रवक्ता चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किस तरह से घेरा है, आप खुद सुनिए। 19 लाख रोजगार के साथ एनडीए सरकार आई यहाँ पे, तो वो भाजपा हो या फिर जदयू हो, 19 लाख रोजगार की इन्होंने कभी चर्चा नहीं की, ना चर्चा करना चाहते हैं। अलबत्ता हमारे नेता बराबर यह प्रश्न करते हैं कि 19 लाख रोजगार कहाँ है बिहार में, आप बताइए। सालाना 4.25 लाख रोजगार बनता है, आपने कितना रोजगार अभी तक प्रोवाइड किया है, आप श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते हैं, श्वेत पत्र जनता के बीच में लाइए। अभी तो बिहार में जो अपराध का ग्राफ है, और अभी आपको याद होगा कि एक बैग बलात्कार का जो ग्राफ रेट अभी बिहार में बढ़ गया है, अभी वैशाली का घटना आपको याद होगा, एक मासूम लड़की का किस तरीके से हत्या कर दिया गया, तो लगातार यह बिहार में बैंक डकैती अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों पर कभी नहीं बोलते हैं और जनता के बीच में भी नहीं जाते हैं, जहां समस्या एक गरीब जनता की है, अगर हत्या हुई है किसी युवती की तो उनके परिवार से मिलकर संतावना देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी भूल चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने कम्फर्ट जोन की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो चाहे बीजेपी हो या चाहे जदयू हो। अगर दलित विरोधी मानसिकता के साथ अगर आप बिहार की राजनीति में आएंगे और देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सर्वनाश तय है। तो सुना आपने, चंदन सिंह ने साफ तौर से ये बात कही है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में लड़कियों के साथ जिस तरह के कांड हुए हैं और उनकी हत्या कर दी गई है, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही सुस्त दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान लगातार बिहार में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों का दर्द सुन रहे हैं, लोगों का दर्द बांट रहे हैं। वहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिराग पासवान को लेकर उनके प्रवक्ता चंदन सिंह ने कही। वहीं एक बात जो साफ नज़र आती है कि चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो लगातार दूरियां 2020 के चुनाव से बढ़ती आ रही हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, इस बीच में कई तरह की बातें हुई, लोजपा में दो फाड़ हुआ जिसका आरोप भी चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही लगाया और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि नीतीश कुमार ने लोजपा को तोड़ने की कोशिश की है, लोजपा और रामविलास पासवान के परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये एक तरह से आरोप लगातार उठाते रहे हैं, लगाते रहे हैं चिराग पासवान। वही उनकी जो पार्टी है, जो उनका भी उनका गुट है, वो उन पर भी, वो भी उनकी चिराग पासवान की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि सरकार में जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।